सो गाइस कैसे आप सब, यहाँ पे बोर्ड की तरफ से मेरे को आया है स्टॉर्म प्रो का डब्बा जो कि एक नई स्मार्ट वॉच है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आती है एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ। चलो फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सो ये आप देख सकते हैं स्टॉर्म प्रो का डब्बा, साथ में लिखा हुआ है कि 1.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड एंड ब्लैक की थीम के साथ है विच इज लुकिंग वेरी गुड। और पीछे कुछ चीजें लिखी हुई है जैसे कि IP68 मेटालिक डिजाइन, 700+ एक्टिव मोड्स हैं इसके अंदर, लाइव क्रिकेट स्कोर मिल जाते हैं, वाओ इट हैज वेरी गुड फीचर्स। तो यहाँ पे सील को खोल लेते हैं एंड बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको पुल भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी करके खोल लो। और ये देखो अंदर से भी बोट का यहाँ पे ब्रांडिंग है और यहाँ पे भी एक सील है, उसको भी ओपन करेंगे तो अंदर बॉक्स आप देख सकते हैं कुछ ऐसा निकलता है। और यहाँ पे चीज़ें बता रखी हैं कैसे कि आपको इसकी ऐप को डाउनलोड कर लेना है विच इज़ बोट क्रेस्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं, प्लस 700+ एक्टिव मोड्स का भी यहाँ पे बता रखा है। इट्स ऑल्सो एन हाईलाइट ऑफ दिस स्मार्ट वॉच। बोट स्टॉर्म प्रो का स्टिकर लगा हुआ है, ये हमारी वॉच निकल कर आती है। प्लस यहाँ पर आप इसको साइड पर करेंगे तो और कॉन्टेंट सामने आ जाएंगे। यहाँ पर एक और बॉक्स है जिसके अंदर हमें एसेसरीज मिल जाती हैं इसकी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे कार्ड्स, सबसे पहले एक स्टिकर है आई एम बोट हेड का, हर एक प्रोडक्ट के साथ मिल जाता है। देन एक यहाँ पे केबल निकल कर आती है विच इज़ पोगो पिन वाली केबल फॉर चार्जिंग मैग्नेटिक। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे कार्ड्स जो कि मैं एक एक करके नहीं दिखाऊंगा। सीधा आते हैं अपने वॉच के ऊपर और आप देख सकते हैं ये कितनी स्लीक और स्टाइलिश लग रही है। इसके स्ट्रैप को हाथ लगाते मैं समझ चुका हूँ कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बोट हमेशा क्वालिटी वाइज यहाँ पे बढ़िया करता है काम। पीछे सेंसर्स और यहाँ पे मैग्नेटिक आप देख सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पे पन्नी को हटा लेता हूँ। ओके सो यहाँ पे आपको हार्ट सेंसर और बाकी सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं विच इज़ नाइस थिंग। एंड यहाँ पर इसको भी हम खोल लेते हैं। ओके ये निकलती है 2.5D कर्व्ड ग्लास वाली एमोलेड डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच। डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसका लाइट वेट है, स्लीक है। सो गाइस इनकी ये जो स्टॉर्म प्रो है ये काफी ज्यादा खास घड़ी निकल कर आती है। पहली बात तो इसको मैंने बूट कर दिया है और अपने स्मार्टफोन के साथ इसको कनेक्ट कर रखा है और इसको मैं यूज कर रहा हूँ। पहली चीज जो इसकी सबसे खास मेरे को लगी वो है इसकी डिस्प्ले जो कि 2.5D ग्लास के साथ आ रहा है। प्लस यहाँ पे ये काफी बड़ी वॉच फेस के साथ आती है एंड ये एमोलेड डिस्प्ले है, 70% कलर गैमेट के साथ आता है विच इज अ वेरी नाइस थिंग। डिस्प्ले मुझे इसकी काफी ज्यादा अच्छी लगी है, इसको यूज करने में काफी मजा आ रहा है और ये मेरे हाथ पे एकदम से बढ़िया से फिट हो जाती है और ये ऐसे कुछ लगती है। एंड मुझे इसका स्ट्रैप का क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छा लगा है। प्लस ये जो है ना स्ट्रैप्स, ये रिप्लेसेबल है, आप इसको निकाल सकते हैं एंड रिप्लेस हो जाता है। और साथ में यहाँ पे एक बटन मिल जाता है टू यहाँ पे एसेसरी और UI अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे सब चीजों का ख्याल रखा गया है। ये जो है ना एमोलेड डिस्प्ले का इन्होंने पूरा फायदा उठाया क्योंकि यहाँ पे ना आप देख सकते हो पहले तो ये आपकी डिस्प्ले हो गई ना, उसके बाद जब आपने जितना भी इसका स्लीप लगा रखा है, मैंने जैसे कि 10 सेकंड का लगाया, तो ये 10 सेकंड के बाद अपने आप इसकी डिस्प्ले वैसे बंद हो जानी चाहिए। बट ये बंद नहीं होगी, ये बंद होने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आ जाएगा जैसे कि आपके फ़ोन में होता है। और यहाँ पे आप डिजिटल भी लगा सकते हो, एनालॉग भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसकी अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूँ ना, काफ़ी ब्राइट है, आपको आउटडोर में भी यहाँ पे विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नाउ इसके अंदर 200 mAh की बैटरी है और 7 डेज का क्लेम किया जाता है। हाँ ऑब्वियसली बात है एमोलेड डिस्प्ले बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इसके अंदर, बट अगर इसमें आप AOD लगा रहे हो ना फिर थोड़ा कम चलेगी, तो फिर ये आराम से 3 से 4 दिन में खत्म हो जाता है इसका। बट अगर आप AOD को ऑफ कर देते हो फिर ये आराम से 6-7 दिन चल जाती है। बट यहाँ पे SPO2 का भी ऑप्शन है, HR का भी ऑप्शन है, मतलब हार्ट रेट भी आप यहाँ चेक कर सकते हो। SPO2 तो बहुत ज़रूरी हो चुकी है आज के टाइम पे, जब भी कोई आप स्मार्ट वॉच लेते हो तो पहले पूछते हो SPO2 है कि नहीं है, तो भाई इसके अंदर है। और ये वॉच जो है ना वो काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आ रही है। परचेज करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमेशा से रहता है और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलो। YouTube एल्गोरिथम बाबा, लाइक करोगे तभी वीडियो आगे जाएगी। और अच्छी बात पता क्या है, इसको आप लेके स्विमिंग पूल में भी जा सकते हो। मतलब आप किसी होटल में हो, आपने इसको पहना हुआ है, स्विमिंग पूल में जाना, आप सोचोगे यार उतार के मकान रखूँ, आप भूल गए रूम में रखना, ले आए साथ में, कोई नहीं डुबकी मारो मजे लो, कोई दिक्कत नहीं। IP68 यानी कि फुल वाटर रेजिस्टेंस है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बट हाँ बहुत ज़्यादा गहरे पानी में मत जाना और पता चले कि आप भी डूब रहे हो ये भी डूब रही है, वो काम नहीं करने हैं, बी सेफ। और इसका जो UI है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगेगा आपको क्योंकि इसके अंदर 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और एक वॉच के अंदर 60Hz का रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा स्मूथ फील करवाता है, मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको 90Hz 120Hz की जरूरत नहीं होती, वॉच में 60Hz आ जाती है ना वो कमाल लगती है। और इसके अंदर ना एक लाइव स्कोर्स का ऑप्शन डाला गया है, जब इंडिया के मैचेस आते हैं इसको आप यहाँ पे कर सकते हो अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट, उसके बाद आप लाइव यहाँ पे ना स्कोर्स देख सकते हो। हाथ उठाओ कौन कौन IPL देखता है, इंडिया के मैचेस देखता है। मैं तो
तो देखता हूँ भाई। और वॉच फेसेस इसमें बहुत सारे हैं, आप एक बार मोबाइल के साथ कनेक्ट कर देते हो तो भैया वॉच फेसेस तो भरे बड़े इसके अंदर, इवन कि आप अपने लगा सकते हो कस्टमाइज्ड, और इवन कि आप क्लाउड लगा सकते हो, और कुछ डिफॉल्ट है 4-5 आप वो लगा सकते हो। स्पोर्ट्स के यानी कि एक्टिविटी के 700+ यहाँ पे मोड्स हैं। वैसे आपको इसके अंदर कुछ 7-8 मिल जाएंगे आई थिंक 10 के अराउंड, बट वो अगर आपको एक्स्ट्रा और लगाने तो आप एक्टिविटी में जा सकते हो अपने मोबाइल ऐप में, वहाँ पे भरे पड़े हैं आपको जो चाहिए करना है। आप वर्कआउट करना चाहते हो, डंबल उठाना चाहते हो, साइकिलिंग करना चाहते हो, वॉक करना चाहते हो, रनिंग करना चाहते हो, जो करना है भैया करो। फिर उसके साथ यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ऑप्शन भी मिलता है, मतलब आप थोड़े स्ट्रेस में हो, आप थोड़ा ब्रीदिंग मेडिटेट करना चाहते हो, वो भी मिल रहा है, आप वो भी कर सकते हो। और हाँ, टेक्स्ट का, कॉल का, सब का नोटिफिकेशन तेरी वॉच देगी भाई मजाक कर रहा हूँ। तो इस वॉच में वो सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं जो कि आपकी कॉलिंग के या कुछ भी, ब्लूटूथ के साथ पेयर हो जाती है ना, उसके बाद कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो हाँ, सारे कॉल्स के, मैसेजेस के, जो भी है ट्विटर वगैरह के, आपके सारे नोटिफिकेशन इसके अंदर आ जाते हैं, आप आराम से असेस कर पाओगे। ठीक है भाई, ये था मेरा अनबॉक्सिंग फॉर बोट स्टॉर्म प्रो। काफी बढ़िया वॉच लगी मेरे को, काफी अच्छी क्वालिटी की है। अगर आपको इसको परचेज करना हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एंड इसको मैं थोड़ी देर और यूज करूंगा। चलो ठीक है, मैं आपको मिलता हूं, तब तक ख्याल रखो अपने, आने वाले को। टेक केयर गाइस, बाय बाय।